Guys, first of all, welcome to our channel AD Vlogs. So, आपको भैया ने बताया कि हम शादी से जल्दी वापस आ गए हैं, तो हुआ है फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आवर चैनल एडी व्लॉग्स। तो जैसा भैया ने बताया आपको कि हम शादी से वापस आ गए हैं, तो हुआ ऐसा कि दीदी हमारे साथ आए थे और वापस भी चले गए हैं, साथ ही वे अपना फोन। हे गाइस व्हाट्सअप। सो गाइस, आज मेरे इस वीडियो में है अरमान। हाय। और वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एडी व्लॉग्स। हे गाइस व्हाट्सअप, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एडी व्लॉग्स। सो गाइस, आज इस वीडियो में साथ है अरमान। हे गाइस व्हाट्सअप, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एडी व्लॉग। सो गाइस, आज इस वीडियो में मेरे साथ है अरमान। हाय। हे गाइस व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एडी व्लॉग। सो गाइस, आज इस वीडियो में मेरे साथ है अरमान, और ये वीडियो जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो को बनाने के पीछे एक बहुत ही अच्छा रीज़न है, वो ये है कि वो अरमान बताएगा आपको। एक मिनट, आपने तो बताया नहीं कि हम शादी से। हम लोग पिछले आधे घंटे से ट्राई कर रहे हैं वीडियो शूट करने के, लेकिन वीडियो शूट नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा पता नहीं क्यों हो रहा है, ये हंसी का राज कुछ है, और ये लगेगा आपको वीडियो के बाद। प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि हमारा इस खुशी का रीजन क्या है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एडी व्लॉग्स। कौन है वहाँ पे? हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रहे होंगे, आधे घंटे लगे हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग करने के लिए। वहां से कहीं ऐसा ना करे सब, हाय शाबाश बच्चों, प्रैंक वीडियो बनाओ। तो गाइस, ये तो ऐसे ही था, लोल। हे गाइस व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एडी व्लॉग्स। सो गाइस, आज मेरे साथ इस वीडियो में है अरमान, और अरमान एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है इस वीडियो में। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एडी व्लॉग्स। सो गाइस, आज इस वीडियो में साथ है अरमान। हेलो। और अरमान, तेरे को पता है मेरे साथ यहाँ पे क्यों बुलाया? नहीं। इस टाइम क्यों शूट कर रहे हैं? नहीं। सो गाइस, जैसा कि आपको बता दूं, मैं अरमान, सुनना ध्यान से, तेरे को पता होगा कि अभी हम शादी से वापस आए थे। हाँ जी। और अदिति भी साथ में थी। हाँ जी। और वो वापस चली गई शादी में भी। तो मैं जब बाहर गया हॉल में, तो मैंने देखा उसका फोन यहाँ पे रह गया गलती से। ओके। तो मेरा प्लान है कि क्यों ना हम एक प्रैंक करें उसके साथ, और प्रैंक हमारा ये रहेगा कि हम उसका फोन छिपा देंगे कहीं पे, और उसका रिएक्शन रिकॉर्ड करेंगे, अपने सब्सक्राइबर्स को दिखाएंगे, व्यूअर्स को दिखाएंगे कि उसका क्या रिएक्शन रहता है जब फोन हाइड हो जाता है किसी का। क्योंकि जैसा कि हम सभी को पता है कि आज की जनरेशन के लिए एक फोन जो है कितनी इंपॉर्टेंस रखता है, और क्यों हम लोग फोन के इतने आदि हैं, एडिक्टेड हैं, क्यों उसके बिना एक पल नहीं रह सकते, वो भी सब कुछ रिएक्शन से लेगा पता। तो आइए गाइस, हम अपनी वीडियो करते हैं यहाँ पे शुरू, और दिखाएंगे आपको उसका रिएक्शन, क्योंकि हमें पता नहीं है, कोई आइडिया नहीं है वो कब तक आएगी, और हमें अभी फ़ोन छिपाना भी है, उसका जगह देखनी पड़ेगी कहाँ पे छिपाए। सो चलिए दिखाते हैं आपको अपनी वीडियो में क्या होता है आगे। सो गाइस, बिफोर हाइडिंग फोन, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आई हैव नो आइडिया कि इस घर में या इस रूम में फ़ोन कहाँ छिपा सकते हैं, क्योंकि मैं आ रखा हूँ अरमान के घर पे, तो मुझे तो बेटर ये लग रहा है कि इस रूम में छिपाएं तो अच्छा है, क्योंकि हम भी इसी रूम में, और हमने कैमरा भी इसी रूम में छिपाने वाले हम लोग, ताकि हम अदिति का रिएक्शन रिकॉर्ड कर पाएँ। सो आई थिंक अरमान, मुझे ये बॉक्स दिख रहा है यहाँ पे, ये जो मुझे ऊपर अलमीरा के ऊपर मिला, तो इस बॉक्स में अगर हम फ़ोन छिपाएं तो वो बेटर रहेगा, क्योंकि उसको
ये नहीं लगा, मतलब उसको आईडिया नहीं होगी हमने इस बॉक्स के अंदर फोन छुपाया होगा। तो क्या कहना तेरा भाई? चलिए तो गाइस ये भी एग्री है। सो हम इस बॉक्स में फोन छिपाने वाले हैं गाइस, क्योंकि मुझे कोई इस रूम में जगह नहीं मिली। मैं पूरा रूम सर्च कर लिया, मैंने क्या हम दोनों सर्च किया है। यहाँ पे काफ़ी जगह ऐसी है जहाँ पे उसको शक हो सकता है कि यहाँ पे फोन हो सकता है, लेकिन उसको इस बॉक्स का आइडिया नहीं होगा। सो और हम ये वाला बॉक्स उनके सामने ही रखने वाले हैं। बिल्कुल गाइस, जहाँ पे ये अलमीरा है, अलमीरा के टॉप पे ये बॉक्स होगा, उसको साफ साफ क्लियर दिखेगा ये बॉक्स, लेकिन उसको आइडिया नहीं होगा। बाकी जो होगा गाइस वो आपके सामने होगा, रिकॉर्डिंग पे होगा, ऑन कैमरा होगा। सो गाइस चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। सो गाइस ये रहा वो बॉक्स जिसमें हम करने वाले अभी फोन हाइड। सो अरमान कैन यू प्लीज ओपन दिस बॉक्स फॉर मी। सो गाइस ये अरमान ने बॉक्स ओपन कर दिया और ये हम इसको खाली कर लेते हैं अभी। फोन फोन प्लीज। ओपो सो गाइस ये ओप्पो का फोन है जो कि हमने यहाँ रख दिया है, और इसको हाइड भी गाइस हमने अपनी तरफ से अच्छे से कर दिया है, और इसको अरमान अभी कवर कर देगा। सो गाइस जैसे मैं आपको दिखाऊं, तो ये रही वो एंट्रेंस जहाँ से अदिति अभी अंदर आने आएगी थोड़ी देर में। तो ये फ़ोन अभी हम छिपाएंगे वहाँ अलमीरा के ऊपर, एंड आई थिंक गाइज यहाँ से काफ़ी विजिबल है, क्लियर दिख रहा है वो बॉक्स। और अभी देखते हैं अदिति का क्या रिएक्शन रहता है जब उसको फ़ोन नहीं मिलेगा। तो अभी आपको मिलते हैं अदिति के आने के बाद, हमें कुछ वेट करना पड़ेगा अदिति का। सो गाइज आई थिंक वो आ चुके हैं। मैं अरमान को भेज रहा हूँ बाहर चेक करने के लिए कि वो आए हैं कि नहीं है। अरमान प्लीज़ चेक करना आए कि नहीं है। सो गाइज आई थिंक वो मूवमेंट आ चुका है। और गाइज आई थिंक आ गए, तो मुझे कैमरा छिपाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं छिपा देता हूँ मैं कैमरा। सो गाइज मैं कैमरा यहाँ रख देता हूँ। हेलो कुछ सोने की तैयारी से अभी तो आदना कैसा लगा आपको डांस करके? मैं को हो गया फोन में। और तू वीडियो किस खुशी में बना रहा है? ब्लॉग ब्लॉग की ऐसी की तैसी फोन में। साधना सो आपको कैसा लगा डांस करके आज शादी में? बच्चे छोटे छोटे फोन मांग रही हूँ मैं अपना। तुम मार रही हो? मजाक, तुम्हें कब से मांग रही हूँ समझ गया? एक बार में जी जी फोन जी लाओ मेरा। फोन लगा। ये जो पिटा है ना, ये मैं नहीं हूँ, ये मेरे जैसा दिखने वाला एक बंदा है। इसी प्रैंक, ये कैसा प्रैंक होता है? सो फोन छुपाना परमिशन के बिना ये वीडियोस अपलोड सो नहीं हो गाइस सकती जैसा हैं। कि हम सोच रहे थे कि प्रैंक करेंगे, वो प्रैंक हम पे भारी पड़ चुका है, हमें चप्पल पड़ चुकी है यहाँ पे। नचिया एक्चुअली हमें पता नहीं था इसका मूड कैसा होगा। मे बी लड़की आई है किसी से शादी में और ये काफ़ी गुस्से में थी, और आते ही हम पे हमला हुआ, चप्पल से गोलाबारी हुई, और हमें इसको फ़ोन देना पड़ा। और जब हमने इसको फ़ोन दिया तो गाइस इसका रिएक्शन कुछ और था, बड़ा अजीब रिएक्शन था, गुस्से में थी काफ़ी। ये आप देख सकते होंगे मेरा हाथ बिल्कुल स्वेल कर चुका है, इसने मेरे को सैंडल से मारा, मेरी हील से मारा इसने। और ये अरमान से पूछे कैसे, और ये अरमान से पूछे म्यूजिक होगी बकवास। ती हेलो गाइस, आप देख सकते हैं इधर दो बदतमीज भाई बैठे हुए हैं। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? सो अदिति सॉरी फॉर दिस प्रैंक, और आइंदा से हम आपका प्रैंक नहीं करेंगे, क्योंकि आप बहुत ही जालिम टाइप की लड़की हैं, एग्रेसिव हैं काफ़ी, पर ये क्यूट लड़की बहुत प्यारी है। और सो अदिति सॉरी फॉर दिस प्रैंक। इट्स नॉट ओके एट ऑल। सो इट्स गाइज इट्स नॉट ओके, इट्स नाइस ओके, वेरी वेरी ओके। और ये काफ़ी स्माइल करके मतलब इसको
ये प्रैंक अच्छा लगा लेकिन क्या फ़ायदा गाइस, चप्पल मार दी मुझे इसने खींच के। तो अदिति प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि हम आप ये वीडियो यूज़ कर सकते हैं ना। बिल्कुल ओके गाइस, हम इस वीडियो को यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस हम ये वीडियो अपलोड करेंगे और ये पक्का अपलोड होगी, जो होगा देख रहे हैं गाइस। डर क्या की जीता है।